नमस्कार मित्रों, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई थी विजय टोप्पो की, जिसका नाम था आयरन इज हॉट। उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने मुझे इतना प्रभावित किया जिसके बदौलत मैंने यह कविता लिख पाया। तो कविता का उन्मान है उम्मीद। सुनो साथी, इस बार हमारे गांव बिजली के तार बिछेंगे, आएगी बिजली, उखाड़े जाएंगे खड़ंजे, बनेगा चक्रोड, गाड़े जाएंगे हैंडपंप, बुझेगी प्यास, खेत लहलहाएंगे, चेहरे मुस्कुराएंगे, जंगल बचेगा, परिंदे चहचहाएंगे। सुनो साथी, इस बार हम भी जा सकेंगे जंगलों में, लकड़ियां बीनने, महुआ चुनने, पुरखों से चली आ रही रवायत की तरह। कि इस बार खत्म होगी भूखमरी, खेतों में जीवन उगेगा, हमारे भी घर लाया जा सकेगा धान, रुपाई के गीत गुनगुना सकेंगे इस बार गांव घर की औरतें, नहीं करेगा कोई पलायन शहर की ओर, नहीं मरेंगे जच्चा बच्चा प्रसव पीड़ा के दौरान, नहीं लगेगा मंडियों में बच्चियों की देह का दाम, नहीं सोएगा कोई तंगहाल मौत की गोद में, सल्फास की गोली या कि फांसी के फंदे से, नहीं करेगा नंगा कोई साहूकार कर्जदार की पत्नियों को। कि इस बार है चर्चाओं में नहीं गूंजने की इच्छा, लड़ेंगे साथी हम अपने हक के लिए, हम अपने जंगल चल जंगल जमीन के लिए। किस बार बुझेगी प्यास खेतों के, बांधों के गिरफ्त से मुक्त होंगी नदियां। सुनो साथी, इस बार नहीं चलेगा जेसीबी हमारी बस्तियां उजाड़ने, बंद होंगी वे सुरसा फैक्ट्रियां जो आधुनिकता के नाम पर हमें लील रही हैं। इस बार फैक्ट्री के दमघोटू धुएं से काला नहीं होगा हमारी मिट्टी पानी पेड़ पहाड़ का रंग। इस बार हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को इनाम। इस बार हमारी भी बेटियां ब्याही जाएंगी। इस बार हमारे बच्चे भी शहरियत बच्चों की तरह सुनहरे सपने देख सकेंगे। बनेगा अस्पताल, होगा त्वरित उपचार। कि इस बार हमारे भी गांव स्कूल खुलेगा, पढ़ेंगे बच्चे, उनके हाथों में भी किताबें होंगी, आंखों में उम्मीद और हौसलों को जमीन। इस बार हमारे भी गांव तीज त्योहार होगा, इस बार हमारे भी गांव खुशफहमी का बागीचा लगेगा, इस बार हमारा गांव जरूर बचेगा। सुनो साथी, उम्मीद है कि उम्मीद की उम्र ज़्यादा लंबी ना हो इस बार, पर हमारी उम्मीदों को भी उचित आकाश और आकार मिले। सुनो साथी, इस बार हमारी उम्मीदों के खुशियाँ होंगी ज़रूर रंगरेज। शुक्रिया।